कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एक तरफ तो नारी को पूजा जाता है, उसे देवी का रूप माना जाता है, लेकिन दूसरी ही तरफ लोग सिर्फ लड़का ही चाहते हैं, कन्या को कोई पालना नहीं चाहता। ऐसा क्यों? इसका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है। सुनते हैं ये कहानी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको शायद इससे कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो जी, वेलकम, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चरल। एक सास अपनी बहू से कहती है कि बहू, कल कन्याओं को भोजन करवाना है, इसलिए आज ही आस पड़ोस की 8-9 कन्याओं को न्योता दे के आ जाओ, वरना सुबह का कोई पता नहीं होगा और कोई मिलेगी नहीं। तो ऐसे में बहू कहती है कि माँ जी, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी किसी के घर। तो सास कहती है, क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया जो मोहल्ले वाले अपनी कन्याओं को हमारे घर नहीं भेजेंगे? माँ जी, वे क्यों नहीं भेजेंगे अपनी कन्याएं, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। अलका ने तपाक से बोल दिया। कौन सी बात बहू? देवकी ने अनजान बनते हुए पूछा। यही कि आप पोता चाहने के चक्कर में मेरा कितनी बार गर्भपात करवा चुकी हैं। जिसे अपने घर में कन्याएं नहीं सुहाती हो, उसके घर में भला कौन अपनी कन्या भेजने के लिए तैयार होगा? अलका ने आंखें नम करते हुए जवाब दे दिया। ठीक है, ज़्यादा उपदेश मत दे, कोई भेजे न सही, मोहल्ले में गाय तो खूब घूमती है, उन्हें खिला देंगे। नाक पर बैठी मक्खी उड़ाते हुए देवकी तमतमाते हुए बोली। अलका ने अपनी सास को जाते जाते सिर्फ इतना कहा, ना जी, आपके और मेरे माता पिता भी अगर आप जैसी सोच रखते तो क्या आज मैं आपके घर होती? देवकी उसकी बात सुन थोड़ा नरम रुख अपनाते हुए बोली, यही सीख पहले दे दी होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो देखा आपने, चाहे सास बहू कोई भी हो, वो खुद एक महिला है, लेकिन वो अपनी आने वाली संतान को एक लड़के के रूप में ही देखना पसंद करती है। ऐसी पाश्चात्य वाली ऐसी सोच को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। बच्चा है, लड़का हो या लड़की, दोनों समान है। और वैसे भी लड़के मिलते हैं भाग्य से और लड़की मिलती है सौभाग्य से। तो माता रानी की कृपा बनी रहे सब पे। कुछ भी हो, लड़का या लड़की, वो आपका बच्चा है, उसे अच्छी परवरिश दीजिए, वो मायने रखती है। इस कहानी पर तो कमेंट ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी आपको। मिलूंगी नई कहानी के साथ, बाय।